फ्रेंड्स इन माय चैनल इजी डेली यूज इंग्लिश एंड ग्रामर। फ्रेंड्स हमने कल पास्ट परफेक्ट टेंस देखा था, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। इसके नाम में ही फ्रेंड्स हमको एक बात समझ आती है कि पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, कंप्लीट भी हुई थी और वो अभी भी जारी है, ऐसा हमको इस टेंस में बताते। जैसे दिस टेंस शोज दैट द एक्शन हैज बिगन अर्लियर इन द पास्ट टाइम वॉज कंटिन्यू और इनकम्प्लीट। मतलब एक एक्शन है जो पास्ट टाइम में एक थोड़ी कंप्लीट हुई थी पर वो अभी भी चालू, कंप्लीट होके भी चालू है, मतलब अभी भी कंटिन्यू है। जैसे इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट टेंस होने की वजह से इधर हैड है, हर जगह हैड यूज होता है, और आईएनजी होने की वजह से आईएनजी जहाँ भी यूज होता है वहाँ वर्ब का वी वन होता है। सब्जेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैड बीन गोइंग टू टेम्पल। इसमें हमको ये, इसमें ऐसा है कि मैं मंदिर जाते आ रहा था, मतलब जाने की क्रिया कंप्लीट भी है, मतलब रोज जाता था तो एक दिन वो कंप्लीट होती थी और दूसरे दिन भी और कंटिन्यू भी रहती थी, मतलब मैं मंदिर जाते आ रहा था, मतलब जाता भी था और रोज जाता था और उसकी क्रिया कंप्लीट भी हुई थी। राधा हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल। राधा स्कूल में पढ़ाया करती थी या पढ़ाते आ रही थी, मतलब पढ़ाने की क्रिया कंप्लीट भी होती थी और वो रोज पढ़ाती भी थी। राधा हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल। वी हैड बीन स्टडिंग टुगेदर फ्रॉम क्लास टू। हम दोनों क्लास टू से एक साथ पढ़ते आ रहे थे, मतलब पढ़ने की क्रिया कंप्लीट भी थी और वो अभी भी स्टार्ट जारी थी, कंटिन्यू थी। राम हैड बीन ईटिंग मैंगो। राम आम खाते आ रहा था, मतलब खाने की क्रिया कंप्लीट भी थी और वो अभी भी जारी है। इसलिए पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट भी और कंटिन्यू भी, एक बार वो क्रिया परफेक्ट कंप्लीट भी होती है और वो कंटिन्यू भी रहती है। अब इसमें हम बॉक्स करके एग्जाम्पल लेंगे फ्रेंड्स। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। इसमें बॉक्स करके लेटर आप इतने सारे सेंटेंस बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस बना सकते हो। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिखते आ रहा था, मतलब लिखना कंप्लीट भी था और वो कंटिन्यू भी था। जो हम कुछ समय से करते आ रहे हैं, जो क्रिया, जो एक्शन हम करते आ रहे हैं वो बताने के लिए, जैसे कर भी रहे, कंप्लीट भी हो रही है और साथ में वो जारी भी है। वी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। यू हैड बीन, तू पत्र लिखते आ रहा था। यू हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। वो लड़का पत्र लिखते आ रहा है, मतलब पहले भी लिखता था, अभी भी जारी हो गया। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। इट हैड बीन राइटिंग अ लेटर। दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर। मतलब वो क्रिया कंप्लीट भी कर रहे हैं और वो अभी भी जारी है। जैसे राधा हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल। वो पहले भी पढ़ाती थी, अभी भी पढ़ाते आ रही है, पढ़ाने की क्रिया उसने कंप्लीट भी की थी और अभी भी वो पढ़ाते आ रहे हैं। तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब पास्ट में जो एक्शन एक समय पर चालू होके एक समय में परफेक्ट पूर्ण भी हुई और वो अभी भी जारी है, मतलब अभी भी वो इनकम्प्लीट है। यह एक्शन बताने के लिए हम यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट कीजिए। और कोई भी वीडियो आपको डिटेल में होना है, इसमें भी कुछ एग्जांपल और डिटेल में होना है, या तो इसमें कुछ आपको कुछ हार्ड लगता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए। थैंक यू।